गोपीनाथ जी का मंदिर है, ठंडी हवाओं का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि आप बता सकते हैं क्या मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ क्या, कोशिश रहती है मेरी, अभी तक चांद नज़र नहीं आया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सफ़र के 20वें दिन पर। तो अभी मैं हूँ उदयपुर वाटी के प्रसिद्ध किले पर। ये महाराजा टोडरमल जी का किला है, यहाँ पर वो निवास किया करते थे और इससे कुछ दूरी पर ही उन्होंने कुल देवी का मंदिर बनाया हुआ, जहाँ पर जाकर वो पूजा आराधना किया करते थे। काफ़ी धार्मिक किस्म के व्यक्ति थे वो। तो अभी चलता हूँ यहाँ से फटाफट आगे। आज छारा से आगे पहुँचना है मुझे। अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं और मैं राजस्थान के झुंझुनू ज़िले के उदयपुर वाटी नाम के स्थान पर हूँ और आज मुझे यहाँ से छारा तक के आगे का सफ़र तय करना है। तो यहाँ पर एक प्रसिद्ध गोपीनाथ जी का मंदिर है। आज सोमवार का दिन है और बेलपत्र के फल लगे हुए हैं यहाँ पर बहुत सारे। इंसान भले ही कितने ही ईंट और पत्थरों के शहर बना ले, पर पेड़ की छाया और ठंडी हवाओं का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यार आप लोग जब मेरे वीडियोस पर कमेंट करते हो तो काफ़ी अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है। एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि आप क्या वॉक करके अपना वज़न कम करना चाहते हैं, तो मैंने भी बोल दिया हाँ यार ऐसे ही कुछ समझ लो। अब क्या ही बोलता फिर मैं। इसे देखकर पता चल रहा है कि कभी तो यहाँ से कोई नदी बहती होगी, अभी तो पूरी सूखी पड़ी हुई है। शाम के करीब 4:30 बज रहे हैं और खंडेला तक पहुँचा हूँ मैं। अभी फटाफट यहाँ से गोविंदपुरा की तरफ बढ़ता हूँ।
तो सुबह से अब तक 7 घंटे पूरे हो चुके हैं, अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं और अभी खंडेला पहुंचा हूं मैं। तो खाने पीने और आराम करने के 2 घंटे हटाकर अभी तक 5 घंटों में मैंने 23 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है और अब यहाँ से गोविंदपुरा तक पहुँचना है, तो उसी तरफ चल रहा हूँ। अभी वो बचे हैं अभी करीब 18 किलोमीटर, तो उससे आज का टारगेट भी पूरा हो जाएगा और मेरे सफ़र के डिस्टेंस भी कम होता रहेगा। तो मिलता हूँ आपसे ज़रा देर बाद। एक्सक्यूज मी, आप बता सकते हैं क्या मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ क्या? अच्छा ठीक है, नहीं बताना, मैं किसी और से पूछ लूँगा। कोई नहीं, ज़्यादा मुझे फील तो नहीं हो रहा, पर पिछले 2 हफ्तों में मेरा 4.5 किलो वज़न कम हो गया है। थोड़ी सी मौज मस्ती और ये लंबे रास्ते, कोशिश रहती है मेरी कि ये कदम कभी ना रुके। मैं गोविंदपुरा के रास्ते पर ही हूँ, पर पीछे एक दुकान में पूछने पर मुझे पता चला कि पलसाना में कुछ ठहरने की व्यवस्था, होटल या धर्मशाला वगैरह मिल सकते हैं। तो सूरज ढल गया पर आसमान में अभी तक चांद नजर नहीं आया। रात के 9 बज गए पलसाना पहुंचते, फाइनली। आधे घंटे से बारिश के छींटे पड़ रहे हैं, कहीं आ ही ना जाए बारिश। होटल हॉक आए। आज उदयपुर वाटी से पलसाना तक का 36 किलोमीटर का सफर तय किया। कल यहां से गोविंदगढ़ के लिए आगे बढ़ना है। आज के इस ब्लॉग को यहीं पर पॉज करता हूँ, आपसे कल मिलता हूँ नई उम्मीदों और नई कहानियों के साथ नए दिन पर। तब तक के लिए गुड बाय।